भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में कहा कि विकास की योजनाएं बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही लोगों को जल्द इंसाफ मिले, सरकार को इसके लिए भी तमाम प्रयत्न करने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका की जो मुश्किलें हैं उस पर जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी गौर फरमाएं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ देश के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के दो सबसे बड़े रहनुमा एक साथ होते हैं। जश्न आजादी का दिन इन दोनों की बेहद दिलचस्प मुलाकात की वजह से और भी खास हो गया। राष्ट्रपति भवन में चाय पार्टी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर का आमना सामना हो गया। ये लम्हा आसान नहीं था, क्योंकि इस मुलाकात से ठीक पहले चीफ जस्टिस ने लाल किले की प्राचीर से पीएम के भाषण को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। हालांकि उनका अंदाज शायराना था। सही बात जो है वो आपके दिल को भी छुएगी और वही मेरी ताकत भी है कि मैं आपके दिल की बात करूं। मैं सिर्फ इस मौके पर इतना कहना चाहता हूँ और वो ये है कि गुर्बत हटाइए जरूर करिए, लोगों को रोजगार दीजिए वो भी करिए, देश को इकट्ठा रखिए, देश में जनाब बड़ी स्कीम्स बनाइए, लेकिन देशवासियों के लिए इंसाफ के लिए भी कुछ सोचिए। गुल फेंके औरों पर, गुल तो फूल हुए ना, गुल फेंके औरों पर, बल्कि समर भी, समर फल भी फेंके तुमने भाई, दूसरों के ऊपर फूल तो फेंके फेंके फल भी फेंके, ए अबरे करम ए बहरे सखा, कुछ तो इधर भी। देश के मुख्य न्यायाधीश को इस बात का मलाल था कि पीएम ने न्यायपालिका में बढ़ती समस्याओं और इंसाफ की राह आसान बनाने के लिए कुछ नहीं कहा। बात शायद पीएम तक भी पहुंच चुकी थी, इसीलिए दोनों ने चाय पार्टी में साथ बैठकर बात की। पीएम मोदी और मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर आसपास बैठे। दोनों की बातचीत किसी मुद्दे पर बहस की तरह हो रही थी। दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते दिखे। करीब 10 मिनट तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा। हॉल में मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान पीएम और चीफ जस्टिस की तरफ था। उसके बाद राष्ट्रगान के लिए पीएम मोदी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। उसके बाद राष्ट्रगान खत्म होने पर भी पीएम और मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर हंसते दिखे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य न्यायाधीश ठाकुर ने पीएम मोदी को न्यायपालिका की जटिलताओं के बारे में बताया। दरअसल पिछले कुछ समय से मोदी सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार हुई है। जजों की नियुक्ति से लेकर उनकी संख्या बढ़ाने तक केंद्र और न्यायपालिका में तनाव रहा है। हालांकि ये पहला मौका है जब देश के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर सवाल उठाए हों। पिछली बार पीएम के सामने ही चीफ जस्टिस न्यायपालिका में जजों की संख्या और अदालतों की मुश्किलों को लेकर रो पड़े थे, मगर इस बार उन्होंने मंच से खुलकर अपनी बात कही। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की बेहतरी और लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए क्या करती है। मंजीत सिंह ने की दिल्ली आज तक।